तो क्या दिक्कत है, आप जरा बताइए कि कोई डिफरेंस होना चाहिए जी। जो सिस्टम को चलाते हैं, जो प्रशासन को चलाते हैं, उनकी हत्या और एक सामान्य नागरिक की हत्या एक समान है, ये सरासर गलत है। क्या कोई सरकारी अधिकारी की हत्या और सामान्य आदमी की हत्या, दोनों में फर्क रहना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है कि प्रशासन चलाने वाले की हत्या, सिस्टम चलाने की वाले की हत्या और एक सामान्य नागरिक की हत्या में कोई फर्क नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, इससे प्रशासन और सिस्टम चलाने वाले का मनोबल जरूर गिरेगा। नमस्कार, फर्स्ट में झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के बाद बीते दिन पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की रिहाई पर बयान दिया और तमाम वो चीज़ें जो नीतीश कुमार ने बताई कि किस कानून के तहत संशोधन कर करके आनंद मोहन की रिहाई की गई है, जो लगातार विरोधियों के सवाल थे, उन तमाम सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे थे। इस प्रतिक्रिया के बीच, इन तमाम बातों के बीच नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दे दिया। नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि एक प्रशासन चलाने वाले अधिकारी में और एक आम आदमी की हत्या में कोई भी फर्क नहीं है। वहीं नीतीश कुमार के इस बयान के बाद अब सियासत बिहार की गर्म हो चुकी है और सबसे पहली प्रतिक्रिया इस बयान पर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी के सामने आई है। विद्यापति चंद्रवंशी ने साफ तौर पर यह कहा है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला किस राजनीतिक लाभ से लिया, उस पर कोई टिप्पणी वो नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार अगर ये कह रहे हैं कि एक प्रशासन चलाने वाले अधिकारी और आम आदमी की हत्या में कोई भी फर्क नहीं है तो ये सरासर गलत है। नीतीश कुमार को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। हम सबसे पहले आपको सुना दें कि सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं विद्यापति चंद्रवंशी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है कि प्रशासन चलाने वाले की हत्या, सिस्टम चलाने की वाले की हत्या और एक सामान्य नागरिक की हत्या में कोई फर्क नहीं है, मैं समझता हूं कि राजनीतिक बातों को साधने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन्होंने जो भी किया उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये कहना कि जो सिस्टम को चलाते हैं, जो प्रशासन को चलाते हैं, उनकी हत्या और एक सामान्य नागरिक की हत्या एक समान है, ये सरासर गलत है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, इससे प्रशासन और सिस्टम चलाने वाले का मनोबल जरूर गिरेगा। विद्यापति चंद्रवंशी ने नीतीश कुमार के इस बयान की आलोचना करते हुए साफ तौर पर यह कह दिया है कि ऐसे बयानों से जो अधिकारी जो प्रशासन को चला रहे हैं उन लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचेगा और नीतीश कुमार को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। बीते दिन नीतीश कुमार ने तमाम जो आप कह सकते हैं कि बातें बताई थी, जिस तरीके से कानून में संशोधन करके आनंद मोहन की रिहाई की गई, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, उन तमाम सवालों का जवाब नीतीश कुमार देते हुए नजर आ रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दे दिया। इस बयान के बाद अब लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और विद्यापति चंद्रवंशी ने सबसे पहले इस प्रतिक्रिया पर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि ये जो बयान नीतीश कुमार ने दिया है ये सरासर गलत है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।